नमस्कार, स्वागत है आपका एबीसी टुडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी सिंह। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस योग दिवस की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसी क्रम में आज हम आ चुके हैं लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में, जहां पर आए लोगों से हम बातचीत करेंगे कि योगासन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और साथ ही ऐसा कौन सा योगासन है जिसे करने से हम सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हम कृष्णदत्त मिश्रा योग गुरु छावनी परिषद कैंट में हैं, और वहाँ पे पांचों स्कूल में योग सिखाने के साथ साथ कैंट बोर्ड के जितने कर्मचारी हैं उन लोग को ऑनलाइन भेजा गया। और सबसे बड़ी बात, पूरे भारत में INO के द्वारा जो स्थापित किया गया कोऑर्डिनेटर और कन्वीनर को, वो विभक्त ब्लॉकों में, ग्राम में और शहरों में उसको विभाजन किया गया। और इस तरह से इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन का जो ये व्यवस्था किया, वो घर घर पहुंचाने का, उनको ऑनलाइन फॉर्म भरवाया गया, उनको सारी चीज़ें, और ये वीडियो अपलोड नहीं किया गया बल्कि लाइव उन लोग को ऑनलाइन से जोड़ दिया गया। तो योग का लाभ जो है उनके शारीरिक और आंतरिक क्षमताओं को जागृत करता है। खासकर इस समय जो COVID-19 की जो लोग पेशेंट हैं, उनको योग से कैसे सहारा मिलेगा, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी, यह हम लोग ने इसको दर्शाया है। और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल के अभ्यास के अनुसार ही उसको अगर वो नित्य प्रतिदिन कर लेता है तो उसकी ऑक्सीजन क्षमता, उसकी ऊर्जा, उसका तनाव सारा जो है खत्म हो जाएगा, और आप योग से परिपूर्ण अपने को स्वस्थ पाएंगे। एक दिन करने वाली बात नहीं है, 21 जून की बात नहीं है, इसको आप वास्तव में आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों को बताइए, उन लोगों को जागृति करिए कि योग विद्या प्रत्यक्ष विद्या है, इसे प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रमाण तब मिलेगा जब आप अभ्यास करेंगे। तो सर, जैसा कि इस समय मेंटल हेल्थ की बहुत बात हो रही है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बहुत मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, तो क्या कोई ऐसा योगासन है जो आपके मतलब दिमाग को भी शांत कर दे? डिप्रेशन तो आजकल जो है सबसे बड़ा तनाव का कारण पूरे विश्व में बना हुआ है। कहाँ नहीं है, परिवार में है, घर में है, बाजार में है, हर जगह डिप्रेशन है, हर लोगों को तनाव है कि हम इससे कैसे बचें, लेकिन वास्तव में वो बच नहीं पाते हैं और उसका मंथन चिंतन करते हुए अपने को और डिप्रेस कर लेते हैं। तो उसके लिए एक आसन बहुत ही अच्छा है, और वह है भ्रामरी क्रिया। अगर आप 3 बार रोज भ्रामरी क्रिया कर रहे हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है, और आप डिप्रेशन से बिल्कुल दूर हो सकते हैं। ये देखिए, कानी उंगली मैंने यहाँ लगाया, फिर नाक की हड्डी पर, फिर आइस पर, फिर आईब्रो पर, और फिर कान को बंद किया, और इस तरह से पूरा सांस को लिया पहले, अगर इसको आप 5 बार करेंगे तो वास्तव में आप डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स पूरी तरह से पावरफुल हो जाएंगे, सोचने की ऊर्जा देंगे, आपका जो है शक्तिशाली ब्रेन काम करेगा और आप तनाव से मुक्त रहेंगे। सर, मेरा नाम राजकुमार है और मुझे 5 साल गुरु हमारे बैठे हुए हैं गुरुदत्त मिश्रा जी से, जो हम लोग कस्तूरबा पार्क में आदर्श योग परिवार के नाम से 5 साल से कर रहे हैं। कम से कम हमारी टीम में वहाँ पर कम से 250-300 लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग कस्तूरबा पार्क में सुबह 5:30 से लेकर 7:30 तक हर रोज करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बंद है, वहाँ ना करके हम लोग जनेश्वर इस पार्क में कर रहे हैं। और इस योग का जो विशेष महत्व है शरीर के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी 2015 में, जो मुझे क्लिक कर गई दिमाग में, कि जीवन में योग का क्या महत्व है। उन्होंने बताया था जिस तरह खाने के अंदर नमक बहुत ज़रूरी है, बिना नमक के खाना स्वादिष्ट नहीं हो सकता, उसी तरह बिना योग के जीवन स्वादिष्ट नहीं हो सकता। अगर आपको जीवन को अच्छी उम्र तक जीना है, स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए आपको योग बहुत ज़रूरी है, बिना योग के जीवन अधूरा। जैसे अभी COVID-19 का मतलब कोविड महामारी फैली हुई है, तो ऐसा कौन सा योगासन है जो उससे लड़ने में मतलब हमारी मदद करेगा? सर, उसके लड़ने में तो ये अनुलोम विलोम जो हमारा है, और क्या नाम, जय प्राणायाम है, भ्रामरी है, वो जय प्राणायाम इसलिए जरूरी है कि वो गले का संक्रमण जिसे COVID-19 में है, कोरोना में, तो गले से शुरू होता है, तो जय प्राणायाम करने से गले के जितने भी संक्रमण होते हैं
वो दूर होते हैं और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लिए वो जरूरी है, इसके लिए अनुलोम विलोम करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपका आभारी हूँ आपके चैनल का। हमारे योग गुरु कृष्णदत्त मिश्र जी का भी मैं आभारी हूँ, जो उनके सानिध्य में रहकर मैं योग सीख रहा हूँ और उसको करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, जब हम जनेश्वर मिश्र पार्क के अंदर आए तो हमें यहाँ पर आदर्श योग परिवार के लोग मिले जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आ पाए, मगर उन्होंने ऑनलाइन योग दिवस मनाने की व्यवस्था कर रखी थी जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस दिन का महत्व समझा पाए। उन्होंने हमें बताया कि ऐसे कई तरीके के आसन है जिससे कोरोना महामारी से भी लड़ा जा सकता है और साथ ही अपने आप को फिजिकली फिट रखने के साथ अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। अभी की खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन गुरमन सिंह के साथ मैं शिवांगी, एसी टीवी न्यूज, लखनऊ।